अब ना ऋण और ना सूद खोरों का डर। अपने खेतों में काम कर रहे इन किसानों ने खेती से जुड़ी इन चिंताओं को त्याग दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसने देश के करोड़ों किसानों को आत्मनिर्भर बनने का मौका थमा दिया। हौसले के इसी सिलसिले को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना की नवी किश्त जारी कर दी। देश भर से जुड़े किसान और भाइयों बहनों, आज देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं आया क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी ऐलान के बाद देश के करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किश्त आ गई। फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा चुके हैं, जिसका असर छोटे छोटे किसानों की खेती के तौर तरीकों पर भी दिखने लगा है। गोवा की रहने वाली किसान प्रतिभा राम वेलिपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो जमीन के एक ही टुकड़े पर कई तरह की फसलें उगा रही है। अच्छा प्रतिभा जी, बताइए कि आप कितनी फसलों की खेती करती हैं? मुझे बताया गया कि आप किसी खास पद्धति का इस्तेमाल करती हैं, जरा मुझे भी उत्सुकता हो गई, जरा समझो आप क्या करती हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं मिश्रित खेती करती हूँ, इसमें नारियल, काजू, सुपारी, केले आदि शामिल हैं। इसके साथ मैं श्री पद्धति से चावल की भी खेती करती हूँ, जिसमें कम खर्चे में अच्छी पैदावार होती है। किसान सम्मान निधि योजना सिर्फ प्रतिभा राम वेलिपी के लिए ही फायदेमंद नहीं साबित हो रही, बल्कि उनके जैसे कई और किसान हैं, जो ऋण और सूद खोरों के लालच के चंगुल में अब फंसने से बच रहे हैं। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है, जिसका फायदा कश्मीर घाटी में केसर उगाने वाले किसानों को भी पहुंचा है, जिन्हें नेशनल सैफ्रॉन मिशन के तहत स्थापित किए गए सैफ्रॉन पार्क के तौर पर एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया। अच्छा, पहले कितनी कमाई होती थी, अब इसमें ज्यादा कितनी कमाई होती है? पहले सर कुछ नहीं, यहाँ हमारे क्या कम मार्केटिंग होती थी, कुछ नहीं सर, मसला हमारा बिक जाता था 90 से 1 लाख या 1,10,000 रुपए में। जब से सर ये स्पाइस पार्क यहाँ वजूद में आ गई, आपकी वसादत से हमारी आमदनी अब डबल हो गई है, मसलन 2,25,000 भी, 2,30,000 रुपए भी हो जाता है। यहाँ पर जो ये ऑक्शन हुई है हमारी सैफरान की, हर एक फार्मर की, जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं अभी, तो डबल फायदा हो गया। ये तो सर आपका जो ख्वाब था 2022 में एक फार्मर की डबल आमदनी होगी, लेकिन आपकी वसादत से हमारी आमदनी 21 में ही डबल हो गई सर। ये तो हम आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं सर। ऐसी नीतियों की वजह से भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में जगह बनाने में कामयाब हो गया। आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंचा है, पहले 10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में ही देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इस योजना की शुरुआत में फायदा सिर्फ छोटे किसानों को ही मिलता था, लेकिन अब उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ती दिखी तो इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए तय पैमानों पर खरा उतरते हैं। यही वजह रही कि अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के जरिए मदद मिल चुकी है। इसकी वजह से किसानों की दशा और खेती करने की दिशा भी बदलने लगी है।